सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। तो मेरे भाई, आज मेरे पास अपने अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट को लेकर काफी सारी मस्त मस्त सी न्यू अपडेट है। जैसे कि गाइस, वैलेंटाइन डे इवेंट के अंदर आप सभी को फ्री में डुओ इमोट मिलने वाला है, 100% कन्फर्म। नेक्स्ट यूनिवर्सल रिंग इवेंट कन्फर्म हो चुका है, तो कौन से रिवॉर्ड्स रहेंगे और कितने डायमंड लगेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बात करेंगे आप सभी के फेवरेट स्ट्रीट ठग बंडेल रिटर्न इवेंट के बारे में, क्योंकि इसकी कंफर्म अपडेट मिल चुकी है। फ्री रिवॉर्ड्स को लेकर एक मस्त सा इवेंट निकल के आ चुका है, जिसके रिगार्डिंग अपडेट देने वाला हूँ। और साथ ही में आप लोग बात करेंगे आप लोग अपने जोकर इनक्यूबेटर रिटर्न इवेंट के बारे में। गेम के अंदर रमजान पास इवेंट आने वाला है, जिसको लेकर एक मेरे पास खतरनाक सी अपडेट मिल चुकी है। यही नहीं गाइस, और भी अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट के बारे में बात करेंगे। फ्री फायर की एक मस्त सी मीम रहेगी, आप सभी के कमेंट को पीक किया है। कुल मिला के गाइस, आज का ये वाला वीडियो भाई खतरनाक से लेके बूमबास्टिक रहने वाला है। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा, आज अपने गेम के अंदर आ चुका है नया सा एक मस्त सा मिस्ट्री शॉप। और भाई मेरे को इतना कम डिस्काउंट मिला ना भाई, मत पूछो। मेरे को गाइस सिर्फ 15% मिला भाई, यार क्या ये भाई, इससे तो अच्छा भाई 80% दे देते कदम मजा आ जाता। पहले तो गाइस डिस्काउंट इतना कम मिला कि भाई मेरे मूड का मैया का सैया हो गया, ठीक है भाई। फिर मैंने रिवॉर्ड को देखा ना, तो मेरे मूड का भाई डबल मैया का सैया हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड अच्छे भी नहीं है, ठीक है भाई, क्या बोलूं मैं। सबसे बड़ा गाइस यहाँ पे स्कैम ये चल रहा है कि भाई रिवॉर्ड को स्विच करने के लिए भी यहाँ पे 200 डायमंड देने पड़ रहे हैं। यहाँ पे गाइस खाली पीली मेरे को मिला कुछ नहीं, और मेरे 10 डायमंड उल्टे इसके अंदर चले गए। देखो गाइस, अभी ना मेरे पास 1400 डायमंड के आसपास डायमंड पड़े हुए, ठीक है, जिसका मैं यूज करने वाला हूँ भाई वैलेंटाइन डे इवेंट के अंदर। बाकी गाइस आप लोग इसके अंदर से रिवॉर्ड्स निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग गेम के अंदर बहुत ही कम टॉप अप करते हो ना, तो ये इवेंट आपके लिए काफी अच्छा है। बाकी तो यहाँ पे भाई जो टॉप अप वगैरह करते हैं उसको शायद ये रिवॉर्ड पसंद नहीं आएंगे। आपको कैसे मिस्ट्री शॉप के अंदर से कितना डिस्काउंट मिला मेरे को कमेंट के अंदर बता देना। बाकी चलिए वीडियो के अंदर आप लोग आगे बढ़ते हैं। काफी गजब की बात ये है कि भाई गर्न ने के उस इवेंट का जो बंडल है, ठीक है, उसे यूनिवर्सल रिंग इवेंट में दे दिया, ठीक है, जो भी हुआ काफी अच्छा हुआ। ये यूनिवर्सल रिंग इवेंट खत्म होने में गाइस 13 दिन बाकी है, ठीक है, और 13 दिन बाद गाइस अपने को न्यू रिंग इवेंट देखने को मिलेगा। देखो गाइस काफी बार ऐसा हुआ है, ठीक है, कि भाई रिंग इवेंट खत्म होने से पहले गरना कोई और रिंग इवेंट दे देता है। फिर अगर बात करें कि नेक्स्ट यूनिवर्सल रिंग इवेंट कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे गाइस न्यू यूनिवर्सल रिंग इवेंट कुछ इस टाइप का निकल के आ रहा है। इस बार OB43 अपडेट के अंदर गाइस कैट के थीम पे काफी सारे न्यू रिवॉर्ड को गर्ना ने डिजाइन करे है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले तो गाइस आपको इस रिंग इवेंट के अंदर, ठीक है, एक मस्त सा कैट वाला बंडल देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिसके अंदर से आवाज आती है म्याओ म्याओ म्याओ। अरे गाइस ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई साउंड इफेक्ट नहीं है। ओवरऑल गाइस बंडल ठीक ठाक है, ठीक है, ना अच्छा ना बुरा, ठीक है, नॉर्मल सा बंडल मिल जाता है। और यहाँ पे है एक व्हीकल की स्किन और कुछ अवतार्स बैनर है, और यहाँ पे गाइस एक रिवॉर्ड्स मिलता है, एक मस्त सा किटी पेट की ग्लू वॉल की स्किन, सॉरी यार किटी पेट नहीं, ठीक है भाई, नॉर्मल कैट के थीम पे एक ग्लू वॉल की स्किन है। अब देखो गाइस ये यूनिवर्सल रिंग इवेंट नेक्स्ट यूनिवर्सल रिंग इवेंट रहेगा, ऐसा 100% कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है, मे बी पॉसिबल है कि नेक्स्ट हो। अगर ये यूनिवर्सल रिंग इवेंट गाइस नेक्स्ट नहीं है, तो अपना अपकमिंग यूनिवर्सल रिंग इवेंट रहेगा। बाकी जब से नेक्स्ट यूनिवर्सल रिंग इवेंट कंफर्म होगा मैं आप सभी को बता दूंगा। बाकी गाइस जो कैट के थीम पे रिवॉर्ड्स है, ये यूनिवर्सल रिंग इवेंट के अंदर गरना आप सभी को लाके देने वाला है। कॉलर को टैग करते हुए गाइस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के। बीस्ट ऑफ लेजेंड, जो कि गाइस OB43 अपडेट का एक न्यू बंडल है। अब गाइस बहुत जल्द इस बंडल का इवेंट अपने गेम के अंदर आने वाला है, और इवेंट रहेगा रिंग इवेंट। देखो भाई रिंग इवेंट भाई बोल के मैं परेशान हो चुका हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि भाई आपका दिमाग भी पक गया होगा, लेकिन गाइस क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, मेरे पास जो अपडेट है वो तो मेरे को आपको देनी होगी, ठीक है। बाकी गाइस बंडल को देखो, इसका चेस्ट और इसका जो टकला है ना, सफेद टकला, ये टकला मेरे को काफी बढ़िया लगा, क्योंकि भाई टकले के ऊपर कते सफेद बाल रखे है, ठीक है, जिसका आप लोग अच्छा खासा कॉम्बिनेशन वगैरह बना सकते हो। लीक्स के अकॉर्डिंग गाइस ये रिंग इवेंट अपने इंडियन सर्वर के अंदर गरना इसी मंथ लाके दे सकता है, क्योंकि बाहर के 2 से 3 सर्वर के अंदर ये रिंग इवेंट आ चुका है। देखो भाई जब भी ये रिंग इवेंट अपने गेम के अंदर आए, इसे इग्नोर करना, ठीक है भाई, ये इतना भी खास नहीं है, क्योंकि OB43 अपडेट के अंदर, यानी इसी अपडेट के अंदर आपको और भी काफी सारे ओल्ड रिवॉर्ड, नहीं तो न्यू रिवॉर्ड्स के इवेंट देखने को मिलेंगे,
जाएंगे जो भाई काफी ज्यादा बढ़िया वगैरह रह गए, तो आप इसे इग्नोर करना है। वैसे भी गाइस मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, सारे पैसे भाई बाबू सोना के ऊपर मैंने खर्च कर दिया है, सॉरी। आइए गाइस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप सभी के फेवरेट जोकर इनक्यूबेटर बंडल रिटर्न इवेंट के बारे में। ओबी 43 अपडेट आने से पहले गाइस जोकर के जो इनक्यूबेटर है, ठीक है, उसकी अपडेट मिली थी कि ये वापस अपने गेम के अंदर रिटर्न आए गए। वैसे गाइस जोकर का जो इनक्यूबेटर है उसे अपने गेम के अंदर आए हुए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि दिवाली का टाइम अपने को ल्यूमिनस कार्निवल इवेंट के अंदर ये देखने को मिले थे, लेकिन फिर भी ओबी 43 अपडेट के टाइम गाइस गर ना ये अपना जोकर का इनक्यूबेटर गेम के अंदर ला के देगा ऐसे अपडेट मिले थे, लेकिन अपडेट चला भी गया ये देखने को नहीं मिला है। जो होना था गाइस हो गया, अब वापस से यहाँ पे अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुकी है कि जोकर का जो इनक्यूबेटर है गरना उसे वापस गेम के अंदर ला के देने वाला है। अगर गाइस आप में से कोई भी जोकर का इनक्यूबेटर बंडल आने का वेट कर रहे तो गाइस आप लोग वेट वगैरह कर सकते हो, ठीक है, बहुत जल्द गरना इसका इवेंट अपने गेम के अंदर ला के देने वाला है। और गाइस इसका पॉसिबल इवेंट रहेगा लकर रोल, क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है, काफी टाइम से भाई गरना लकर रोल अपने गेम के अंदर कुछ ज्यादा ही दे रहा है। अभी तो गाइस आप लोग इसे पॉसिबल समझना, बाकी इसके रिगार्डिंग मेरे को कोई भी अपडेट्स वगैरह मिलते हैं तो मैं आने वाले वीडियो के अंदर आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन भाई सबसे पहले तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, जब से केओस इवेंट का न्यू प्लेन आया है, ठीक है, जो भाई प्लेन हवा में कुछ हिलिंग डुलिंग करता रहता है, तो भाई ये प्लेन देख को आपको कुछ ऐसी फीलिंग वगैरह आती है, ठीक है, कमेंट में बताना। अरे हम एक प्राइवेट हवाई जहाज में है, इसका पायलट बेहोश हो चुका है, हम क्या करें? अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ, बमन बमन। हाँ तो बमन बमन, मेरा नाम एक बार बमन है। हाँ तो एक बार बमन, आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है? अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक, आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। मीम गाइस आप सभी को कैसे लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। बाकी चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट की। तो जैसा कि गाइस आप सभी को पता होगा रमजान इवेंट का टाइम अपने को रमजान पास इवेंट देखने को मिलता है, लेकिन भाई एक अब दिक्कत है, ठीक है, लास्ट बार अपने गेम के अंदर रमजान इवेंट नहीं आया था, लेकिन भाई लीक्स के अकॉर्डिंग गरना इस बार रमजान इवेंट इंडियन सर्वर के अंदर भी ला के देने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा रमजान इवेंट का टाइम भाई, ठीक है, रमजान इवेंट के थीम पे बहुत सारे रिवॉर्ड को गरना ने डिजाइन करे हैं। हाँ तो इस बार आपको रमजान इवेंट के थीम पे गाइस रमजान पास इवेंट देखने को मिलने वाला है, जिसके चलिए मैं आपको कुछ रिवॉर्ड्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले रमजान इवेंट के थीम पे गरना ने एक मस्त सी गुड़ की स्किन को डिजाइन करा है, जो कि आपको रमजान पास इवेंट के अंदर देखने को मिलेगी। गुड़ की स्किन गाइस अपने को ठीक ठाक मिल जाती है, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा हर पास में होती है वैसे गुड़ की स्किन आपको मिलेगी। फिर एक मस्त सी गाइस आप सभी को कटाना की स्किन मिलेगी, जो कि आप लोग देखो भाई कटाना की स्किन का लुक डिजाइन वगैरह सब कुछ काफी बढ़िया है, ठीक है, मेरे को ये काफी बढ़िया लगी। और रमजान पास का तीसरा रिवॉर्ड गाइस रहेगा एक लूट बॉक्स, जो कि आप लोग देखो, तो भाई तीन रिवॉर्ड अपने रमजान पास इवेंट के अंदर गरना लाके देने वाला है। अभी ये पास इवेंट का रमजान इवेंट का टाइम आएगा जब अपने गेम के अंदर रमजान इवेंट स्टार्ट वगैरह होने वाला होगा, तब मैं आपको बता दूंगा। चलिए गाइस वीडियो के अंदर अपन लोग 180 की स्पीड से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है स्ट्रीट ड्रग बंडल को लेकर। स्ट्रीट ड्रग बंडल को लेकर गाइस यहाँ पे कुछ इस टाइप का रिंग इवेंट निकल के आ रहा है, जिसके अंदर आपको गाइस स्ट्रीट ड्रग बंडल देखने को मिल जाता है। इस रिंग इवेंट के अंदर गाइस आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि भाई आप लोग डायरेक्ट पूरा एक स्ट्रीट ड्रग बंडल निकाल सकते हो, ठीक है, पूरा एक बंडल। फिर गाइस यहाँ पे दूसरा रिवॉर्ड रखा गया है स्ट्रीट फॉक्स पैंट, जो कि आप लोग देखो गाइस ये आपको मेल में और फीमेल में दोनों में मिल जाता है, ठीक है, जो कि इसी रिंग इवेंट में रह गए। मेल बंडल के साथ में गाइस यहाँ पे आपको पूरा फीमेल का बंडल भी मिल जाता है, ठीक है, जो कि आप लोग देख लो। दूसरा गाइस ऑप्शन ये रहेगा कि इस रिंग इवेंट के अंदर गाइस आपको इस बंडल के पार्ट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स को भी रखा गया है। और तीसरा ऑप्शन तो गाइस आप सभी को पता होगा, ठीक है, आप लोग भाई टोकन से इसे एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सचेंज स्टोर के अंदर जाके। तो भाई यहाँ पे एक न्यू लीक्स निकल के आ चुकी है कि भाई गरना इसी मंथ अपने गेम के अंदर स्ट्रीट ड्रग बंडल है उसका रिंग इवेंट अपने गेम के अंदर ला के दे सकता है इस मंथ, नहीं तो गाइस अगले मंथ गरना यहाँ पे अपना ये जो रिंग इवेंट है गरना अपने गेम के अंदर ला के देगा। बाकी अगर भाई आप लोग को ये पसंद है बंडल्स वगैरह तो आप लोग रेडी वगैरह रहना। और जब गाइस इस इवेंट का रिंग इवेंट का ठीक है पोस्टर वगैरह निकल के आ जाएगा मैं आप सभी को बता दूंगा, तो भाई तब से आप लोग डायमंड वगैरह सेव करना, ठीक है, बाकी अभी के लिए आप इसे पॉसिबल वगैरह समझना। बाकी चलिए गाइस फाइनली एंड फाइनली अपन लोग बात करते हैं वैलेंटाइन डे इवेंट के अंदर से मिलने वाले फ्री डुओ इमोट के बारे में। तो यहाँ पे देखो गाइस गरना फ्री फायर की तरफ से भाई ऑफिशियली वीकली शेड्यूल निकल के आ चुका है, जहाँ पे भाई गरना ने बताया है फ्री डुओ
इमोटी के भाई ऊपर डेट भी मेंशन करी है 10 से लेके 14 फरवरी के बीच में ये फ्री डुओ इमोट मिलेगा, यानी भाई 10 फरवरी से वैलेंटाइन डे इवेंट स्टार्ट होगा। ये रहा गाइस वो डुओ इमोट जो कि आप सभी लोग देख लो गाइस, यही डुओ इमोट अपने सभी को फ्री में मिलने वाला है। लेकिन लेकिन मेरे भाई ये जो डुओ इमोट है गाइस ट्रायल है, ठीक है भाई, यानी आप लोग पोस्टर के अंदर देखो भाई गर्ना ने साफ साफ लिखा है ट्रायल, यानी ये अपने को परमानेंट नहीं मिलेगा। ये गाइस डुओ इमोट अपन सभी को 3 से लेके 4 दिन तक फ्री में क्लेम करने को मिलेगा, ठीक है। अगर परमानेंट निकालना है तो भाई आपको डायमंड वगैरह वेस्ट करने पड़ेगा, जो कि वैलेंटाइन डे इवेंट के टाइम इसका इवेंट आएगा। बाकी चलेगा, मैंने कुछ लकी कमेंट्स को पिक किया है तो उसका आंसर मैं आप सभी को दे देता हूँ। एक भाई ने पूछा है जेंटलमैन भाई डे बंडल कब आएगा, तो देखो यार इसके रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। अभी कुछ न्यू रिवॉर्ड्स के इवेंट्स वगैरह आएंगे और कुछ ओल्ड रिवॉर्ड्स के इवेंट वगैरह आएंगे। आरबी गेमिंग ने कहा है कि नेक्स्ट बुया पास का रिव्यू दो, तो भाई बहुत जल्द इसके ऊपर मैं फुल डिटेल में वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, बहुत जल्द। लक्ष्य गेमर ने कहा है कि भाई इवो M1 कब आएगी, तो देखो भाई बहुत बार आ चुकी है भाई रिटर्न में, यार घर हर बार तो इसे नहीं दे सकता ना। बाकी खैर गाइस आपको और भी अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, और ज्यादा देखना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।